एमआईएम पार्टी की छवि खराब हो गई। यहाँ लोग साबित कर रहे हैं कि ये देखो तुम्हारा शादाब बीजेपी की भी टीम है। जिस तरह गुवाहाटी में आप देखेंगे एमआईएम के सीनियर जितने भी लीडर है वो थोड़े कुछ ना कुछ रीज़न लेकर पार्टी को बेचा है, और उसी तरह सदा उस्मानी ने भी किया है पार्टी को। फिर फॉर्म लेने की बात है तो तीन लोग जाके फॉर्म वापस ले, हमको तो पूछो सादा भाई के हमारे को खाली यूज़ करना सीखे 5 साल, हमसे पूछो ना। अब भिवंडी के स्टूडेंट्स को लॉ की डिग्री हासिल करना हुआ और भी दिलचस्प। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया है आरबी लॉ कॉलेज। आरबी लॉ कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कंप्लीट लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इक्विप्ड क्लासरूम और एक मॉक कोर्ट रूम भी बनाया गया है विद एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर फॉर द बेस्ट गाइडेंस ओनली एट आरबी लॉ कॉलेज मैनेज्ड बाय हुदा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस नारपोली भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में शहर की हर राजनीतिक पार्टी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है, कुछ ना कुछ हलचल में है। और यहाँ पे हम आए हैं भिवंडी के शांति नगर में, जहाँ पे AIMIM के कुछ कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, अपनी पार्टी के कार्याध्यक्ष को लेकर जो है विरोध में खड़े हैं। उनका विरोध ये है कि शादाब उस्मानी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को बेचने का काम किया उनका आरोप था, तो वैसे ही अब हम ये काम जो है विधानसभा में होने नहीं देंगे। जिसके लिए आज शांतिनगर में, जो शांतिनगर का जो ब्लॉक है वहाँ के कुछ कार्यकर्ता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब उस्मानी के ऊपर कई आरोप लगाए, उनको बीजेपी का भी टीम वाकई में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने लोकसभा में जो है बीजेपी से पैसा लेकर जो है अकरम खान को इलेक्शन लड़वाया था, और अब वो जो है विधानसभा में भी यही हरकत करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से उनकी फोटो शेयर की जा रही है एयरपोर्ट की का काम कर रहे हैं, एक कुरियर का बीच में जो है काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से उनका कहना है कि अब हम जो है MIM पार्टी को विधानसभा में बिकने नहीं देंगे। क्या हुआ सारा माजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए देखते हैं। हम लोगों ने जो शादाब उस्मानी के बनाए हुए पदाधिकारी हैं पहले के चार साल पहले जो बनाए थे, तो अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें शादाब उस्मानी ने जो काम किया, एक पार्टी से सपोर्ट ले करके और टिकट दिलाना, और फिर अब उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे, सिर्फ जो है 4 लोगों को लेके फॉर्म भरना, 4 लोगों को लेकर के वापस करके दूसरे पार्टी को सपोर्ट दे देना। अब लोग बोलते हैं कि पैसा लेकर के, मतलब कि ये लोग ऐसा काम किए कमाने के लिए काम करते, तो अब इनको पार्टी से कोई लेना देना मतलब सरोकार नहीं है, और भिवंडी की जनता उनको दलाल के नाम से पुकारती है, लोग गाली से बात करते हैं, और साथ में MIM पार्टी की छवि खराब हो गई। यहाँ लोग साबित कर रहे हैं कि ये देखो तुम्हारा शादाब बीजेपी की भी टीम है, तो ऐसे लोगों को साथ में ले करके और इनको जिम्मेदारी दे करके और विधानसभा का इलेक्शन कराएंगे तो फिर वही हालात रहेंगे, 4 लोग वो रहेंगे, 4 कार्यकर्ता रहेंगे उनके, 4 से ज़्यादा नहीं है, 30-35 ये अपना पदाधिकारी बनाए थे जिसमें 4 लोग उनके साथ हैं, बाकी सब जो है उनकी नीति के ख़िलाफ़ है। तो अभी हम लोगों की मांग ये है कि मतलब इनको यहाँ विधानसभा के इलेक्शन में जो है इनके नेतृत्व में इलेक्शन न हो और इनको जो है पार्टी से ही निष्कासित किया जाए, इसके लिए कि इन्होंने पार्टी की छवि को ख़राब कर दिया है। अभी जो है इनको जो है सिर्फ पैसा चाहिए, मकसद उनका पैसा कमाना, पार्टी जाए भाड़ में जाए उनसे ना। आप एक आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा में जो पैसा लेके पार्टी को बेचा है, तो ये कैसे आप सिद्ध करोगे यार? उनके साथ में जो लोग काम किए वो लोग खुद बताए हमसे, हम तो साथ में उनके थे नहीं, हम तो खामोश थे, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, बाकी जो है लेकिन आप अपने पार्टी के ही नेता पर जो है बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप जो है सही आरोप है कि आपने कहा कि लेन देन का व्यवहार किया है। सुनिए, अभी इलेक्शन के टाइम में उन्होंने जो है भाजपा के कार्यालय में गया और उसकी वीडियो चली, आप लोगों को मालूम है, तो अब वो क्या करने गए थे, रिश्ता खोजने गए, वो तो अलग एक प्लानिंग के हिसाब से वो जो है फोन करके सेटिंग किए, बात जो है वाकई में वो जो है सही है,
और वो पैसा भी बांटा गया है और ये कह करके बांटा गया है कि मतलब उसके जरिए आया है। तो अब कहने का मतलब है कि अभी वारिस पठान का प्रोग्राम हुआ था ईद मिलादुल नबी का के मौके पे, तो अब उसमें जो है कहा गया कि दारुस्सलाम से पैसा आया है, ये खर्च करके और कार्यकर्ताओं को और लोगों को मतलब मिलाने के लिए कि मतलब कितनी ताकत है, ताकत दिखाने के लिए। लेकिन रह गया सवाल कि वो पैसा बाद में पता चला कि भाजपा से आया था। तो अभी हमारे सामने आप बोलोगे कि क्या सबूत है, तो हमारे सामने तो आया नहीं, लेकिन जनता से पूछिए, जनता बताएगी ना। नहीं, जनता बताएगी, लेकिन ठीक है, आप तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो पार्टी के एक नेता के ऊपर आप इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपके वरिष्ठ जो है कार्यकारी अध्यक्ष है वो, और आप इस तरह से अगर आरोप लगाएंगे तो आपके पास कुछ तो रहना चाहिए ना। आप मतलब लेन देन की बात कर रहे हैं, उस समय आप भी उनके साथ में थे क्या? साथ में नहीं था, लेकिन जो कार्यकर्ता साथ में थे उनको पैसा मिला। अभी तो आज विधानसभा का इलेक्शन है, ऑलरेडी हम लोगों ने जो है मतलब 17-18 पदाधिकारी अपने अपने जो है लेटर पैड पे लिख करके और इम्तियाज जलील साहब के पास जो है एक महीना पहले हम लोग दे दिए हैं। क्या वहाँ से क्या रिप्लाई आया? वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया और वो बोले कि हम बहुत जल्दी आएंगे, अभी तक आते रह गए, आए नहीं। क्या लगता है पार्टी के, पार्टी में आप वरिष्ठ नेता के रूप में देखे भी जा रहे हो, पार्टी में रहने के बावजूद पार्टी के लोग भी आपके, आप लोगों की सुनवाई नहीं वहाँ पर है, तो क्या? हाँ, कमी तो है, कमी तो है, कोई बड़ा लीडर जो है यहाँ झांकने नहीं आता है, तकलीफ तो है पार्टी के लोग, लेकिन पार्टी से हम लोगों को मोहब्बत इतनी है कि हम लोग छोड़ के जा नहीं सकते, दूसरे की तरफ जा नहीं सकते, लेकिन जो बातें निकल रही है कहीं ना कहीं बातें हकीकत है ना, तो निकल रही है ना, जनता के बीच में आ रही है, लोग दलाल का क्या कहना है कि शादाब उस्मानी को हटाया। हाँ, मकसद ये है, वरना विधानसभा में भी पार्टी को बेच देंगे, पार्टी को बेच देंगे और पार्टी फिर वही हाल होगा जो किए हैं। और ये जो है मतलब इनका मकसद है पैसा कमाना, क्योंकि हम लोग साथ में जब जुड़े हैं तो ये 4 साल पहले 5 साल कार्य अध्यक्ष बने, तो ये सब पैसा ले लेकर के जो अभी देखिए हम लोगों से पैसा लेके जो है कार्यक्रम किए। अच्छा, पार्टी के वरिष्ठ लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण क्या हो सकता है? अब हम लोग तो कोशिश किए, मैं तो 3 साल पहले भी हम लोगों ने जो है लेटर पैड पे लिख करके और दिया था, कोई आए गफार कादरी वर्किंग प्रेसिडेंट से, वो आए तो और समझा गया कि डांट ओट के मुंगरा में कि मिल करके काम करो, काहे को मिल के काम करो, एक देखो तो खाली गुड्डू का ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, अगर जो हम लोग खाली ग्रुप के किसी के कार्यकर्ता के साथ अगर जो फोटो आ गया तो शादाब उस्मानी उसको मुनाफिक बोलता है, वो नहीं चाहता कि पार्टी के वर्कर उन लोगों से, इन लोगों से कभी मुलाकात हो और ये दूरी बनी रहे। मतलब जिस तरह से लोगों में आम है कि एमआईएम पार्टी भाजपा की बीटी में, तो आपका कहना है कि शादाब उस्मानी ने उसको साबित कर दिया? साबित कर दिया, ये ब्लेम हटाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जलाल अहमद अंसारी, मैं भिवंडी युवा सचिव था, शादाब उस्मानी के नेतृत्व में 4 साल से काम किया, उसके बाद फिर गफ्फार कादरी साहब आके मुझे लोकसभा उपाध्यक्ष बनाए। 4 साल से, 4 साल उनके साथ काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह भिवंडी में आप देखेंगे एमआईएम के सीनियर जितने भी लीडर है वो थोड़े कुछ ना कुछ रीज़न लेकर पार्टी को बेचा है, और उसी तरह शादाब उस्मानी ने भी किया है, पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया है। और जैसा कि मैं यहाँ पे जितने भी एमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद है और बाकी जो मौजूद नहीं है उन लोग ने भी सब अपनी नाराज़गी अपने लेटर पेड पे जता के इम्तियाज जलील साहब के पास कंप्लेंट दर्ज कराई है, इम्तियाज जलील साहब से रिक्वेस्ट किया है कि आप भिवंडी में आए और चेहरा बदलिए, जितने भी पुराने वर्कर है उनको हटाइए और नया लाइए, क्योंकि सब अपना अपना मुफाद देख रहे हैं। और शादाब उस्मानी से हम लोग की बात हुई कि भाई ये जो हंगामा हुआ है, जो पब्लिक के बीच में मैटर चल रहा है कि यार बीजेपी के बंगले पे तुम क्यों दिखे, फिर चोर के माफी इलेक्शन का फार्म क्यों भरे, हम लोग ने मुखालिफत की कार्यकर्ताओं ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई पार्टी की तरफ से आया हुआ है, बी टीम का बी फार्म आ चुका है, हमको लड़ना पड़ेगा, लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल था, पार्टी का आदेश था, हमको मानना पड़ा, पब्लिक की कुछ बातें भी हम लोग को सुननी पड़ी, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे मालूम जब पढ़ना चालू हुआ कि यार ये सब काम तो अलग हो रहा है, जनता भी अलग अलग रिव्यू दे रही है और कार्यकर्ता भी नाराज हो रहे हैं, तो फिर कोई शानवाज आलम आता है, वो उसका नाम बोलते कि दारुसलाम से आया हुआ है, हम लोग बड़े खुश हुए कि दारुसलाम से आ रहा है, भिवंडी देख रहा है, मतलब अच्छी खबर है। तो फिर उसके बाद खुलासा होता है कि यार तो बीजेपी का आदमी है, तो शादाब उस्मानी, शानवाज आलम, तो फिर शादाब उस्मानी से बात करते हैं हम लोग, तो कि भाई ऐसा ऐसा मामला, तो बोलते हैं भाई राजनीति में सब चलता है, लेकिन मैं शादाब उस्मानी को बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आप राजनीति कर रहे हो आपके लिए चलता है, लेकिन हम ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम एक तहरीक समझ के जुड़े हुए हैं, हम अपना पर्सनल पैसा लगा रहे हैं पार्टी के लिए, हम इसको एक तहरीक मानते हैं,
हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो सदा उस्मानी ऐसे आदमी आते रहेंगे और पार्टी का सौदा करते रहेंगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है पार्टी से। असद साहब आज पार्टी के लिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे, हर मुसलमानों की हर मजलूमों की आवाज़ उठा रहे, तो आज ये वक्त आया है MIM के भिवंडी के कार्यकर्ताओं के पास कि असद साहब के हाथ को मजबूत करना, और इस तरह सदा उस्मानी जैसे जो नालायक बंदे बैठे हुए पार्टी में, जो पार्टी के वर्कर को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, असद साहब की बातें बताते हैं, फिर उसके बाद सौदा कहीं और करते हैं, तो ये होने नहीं देंगे। मेरी चैनल के माध्यम से आला कमान से रिक्वेस्ट है कि भाई ये बात को संज्ञान ले, और ये पुराने जितने भी कार्यकर्ता है जैसे सदा उस्मानी है और उनके साथ में भी दो तीन है, उनको हटाया जाए, नए कार्यकर्ताओं को लाया जाए। पार्टी का बहुत क्रेज है भिवंडी में, चाचर पांच पांच पुराने कार्यकर्ता जो भी है जो लगे हुए, जैसे अमजद सिद्दीकी है, फरीद खान है, मतलब ऐसे जो भी है, मतलब जो अपने आप को सीनियर बताते हैं। सीनियर बताने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप मनमानी करो। अरे युवा पीढ़ी देखो आज MIM को कितना लाइक कर रही है, युवा पीढ़ी बढ़ना चाहती है। अभी मेरे साथ में कम से कम 20-25 कार्यकर्ता है जो मजलिस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जुड़ाऊँ? सदा उस्मानी के नेतृत्व में कैसे काम करेंगे वो? मैं खुद 4 साल से हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं उससे, क्योंकि भाई बिल्कुल सभी खराब कर रहे हैं। जनता के बीच में देखो, जनता जो हम लोग को रिस्पेक्ट देती थी, आज वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। जो उन लोग ने MP के इलेक्शन में आपने कांड किया है, उससे नुकसान कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ा। आज 4 लोग को लेके उन लोग फिर लोकसभा से जो गायब थे, अब विधानसभा में आए हैं, आज भी 4 लोग हैं। अब 4 लोग फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखो एक्चुअली में पार्टी को ना कार्यकर्ताओं से मोहब्बत है। अभी तक पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे ना, किसी ने कम्प्लेंट नहीं किया था। अभी हमने लिखित में कम्प्लेंट दिया है, कम से कम 35 से 35 कार्यकर्ताओं ने लिखित में, राइटिंग में, अपने लेटर पेड पे लिखित में कम्प्लेंट दिए। ये 20-25 दिन हो चुका है। उसके बाद क्या आश्वासन आपको? उसके बाद आश्वासन यही मिला है कि जल्द से जल्द हम भिवंडी आएंगे और कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे। चाचा बोले तो चलो। अच्छा मैं हाँ, बोलो क्या बात है? देखो मैं सादाब उस्मानी के साथ जुड़ा था, और सादाब उस्मानी है ना, सादाब उस्मानी ऐसा नेता नहीं चाहिए। क्यों मालूम है? सादाब देखो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब है कि आपस में इत्तेहाद। तो ये बंदे ने ना ये इत्तेहाद को तोड़ा है, सबसे पहले ये इत्तेहाद को तोड़ा है। अभी हम लोग जितने भी कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ते हैं, तो इनका क्या काम है? अध्यक्ष है, कारगुजार सदर है, तो उनको क्या करना चाहिए? आपस में मिलाना चाहिए कि अगर एक वार्ड में 2-3 लोग जुड़े हैं तो 2-3 लोग आपस में मिलकर काम करो। लेकिन इस बंदे ने क्या करता था मालूम है? आपस में इनको भड़काता था कि ये आदमी सही नहीं है, वो आदमी से एक दूसरे को भड़का के उसके खिलाफ खड़ा करता था, और उससे मतलब कुछ भी जो फायदा है इसको खुश करके फायदा उठाना। जैसे कि एक मैं भी था, अब मेरे वार्ड में सैफ अंसारी करके था जो कि मेरे वार्ड का था, उसको मेरे को और इसको मिल के रहना चाहिए था, लेकिन ये है ना हम दोनों को ही नहीं मिलने देता था कि सह पैसा है कैसा क्या करेगा ये सब, मतलब कुछ ना कुछ करके हम लोग को गुमराह करते रहता। खैर हम लोग इनके बात में आते थे, क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता था कि अच्छा नेता है और अच्छा काम करेगा। लेकिन अब इधर मालूम पड़ रहा है ना कि सादाब उस्मानी खाली फायदे के लिए है। उसको सबसे बड़ी चीज़ जैसे बिजनेस होता है ना, जैसे हम जैसे मैं भंगार का बिजनेस मैन हूँ, ऐसे कोई कुछ बिजनेस होगा, किसी का कुछ बिजनेस होगा, ऐसे उसका सादाब उस्मानी का बिजनेस क्या है? पॉलिटिक्स है। इसको पॉलिटिक्स से पैसा आता है, तो इसलिए ये आदमी इतनी हद तक गिर रहा है। अब मैं पार्टी में हूँ, मेरे सब कुछ में से इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग हर जितने कार्यकर्ता बैठे हर कोई क्या कर रहा है, कोई 1000 कोई 2000 कोई 5000 जैसी जिसकी कैपेसिटी है पार्टी के लिए लगाया, पार्टी के लिए मेहनत किया। अब करने के बाद तू यही पार्टी में से एक एक को काटते जा रहा है, गलत है ना? देखो पैसा लेन देन कैसा मालूम है? जिस ये जो बंगले पे गया ना, बंगले की फोटो देख के हम लोग इस पे बोल रहे हैं, ये खुलासा गलत है ना? आपके पास प्रूफ क्या है? पैसा पकड़ते हुए पैसा लेते हैं। ये सादाब उस्मानी सबसे बड़ा फायदा क्या है सादाब उस्मानी को? सादाब उस्मानी यही चीज बोलते हैं, प्रूफ नहीं तो कुछ नहीं। इस पे मेरा ये कहना है कि मैं सादाब उस्मानी के नेतृत्व में 2019 में MIM ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 4 साल चला, कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में देखो 5 साल से मैं आप ही चला रहा हूँ। उसके बाद जो लोकसभा का इलेक्शन आता है तो हम लोग उसको लगातार बोलते भाई अगर हमारी कोई कैंडिडेट खड़ा है और तो हमको बताओ, लेकिन ये 30 तारीख तक नहीं बताया। अचानक 3 तारीख को फ़ोन करता है कि हम लोग निकल गए फॉर्म भरने जा रहे हैं।
फॉर्म तो हम लोग बोले ये गलत भाई बात है, आप फॉर्म तीन लोग कैसे भरने जा सकते हो, कम से हमसे पूछो, हमको तुम पोस्ट होल्डर बनाए हो तो हम हमारे से राय पूछो, आप मेरे को विधानसभा अध्यक्ष बना दिए हमसे पूछ नहीं रहे हो, तीन लोग फॉर्म भरने चले जा रहे हो, अरे हमसे तो पूछो। मेरा विरोध यही है उससे, ये जो काम करा है साधब उस्मानी ने गलत किया है, उसके कंधे से कंधा मिला के हम लोग 5 साल चले, जितने भी प्रोग्राम हुए आपके माध्यम से मैं बता दूं, आपके न्यूज़ में भी होगा, ज़्यादातर वार्ड नंबर 12 में हुए, मैं करवाया हूँ, कहीं ना कहीं उसके कंधे से कंधा मिला के जो पैसे का आरोप लग रहा है, मैं पूरा कहीं स्टेट वाले को मैं 5,000 रुपया दिया, हर चीज़ का खर्चा मैं उठाया हूँ, मैं इसका प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर फॉर्म लेने की बात है तो तीन लोग जाके फॉर्म वापस ले, हमको तो पूछो साधा भाई, क्या हमारे को खाली यूज़ करना सीखे 5 साल, हमसे पूछो ना, पोस्ट होल्डर बनाए हो आज 5 साल से, हमको पोस्ट होल्डर कुछ ना कुछ पार्टी के लिए कुछ हो, हम अपने पैसे से खर्चा कर रहे हैं, ये ऑफिस का जो खर्चा जरा कोई पार्टी लेवल से नहीं देता, मैं मेरे जेब से दे रहा हूँ, अपने पास से दे रहा हूँ, जब भी पार्टी पे कोई मुसीबत आता कि प्रोग्राम कर रहा है तो कलीम के पास आके चल कलीम से पैसा लो, मैं प्रूफ करता हर चीज़ के कि जितना भी प्रोग्राम हुआ उसमें मेरे पैसे के बेस पे किया हो, मैं उसके नाम से कुछ नहीं किया हूँ। लेकिन फिर अभी लोकसभा पे ऑफलाइन हुए फिर ऑनलाइन हो गए, कोई ना कोई को लड़ाने जा रहे हैं, अरे भाई हमसे तो पूछो कि खाली हमसे रैलियाँ करवाओगे, लोगों को बुलवाओगे, हमसे पूछो, आप कैंडिडेट लड़वाओ रहे दोनों जगह कैंडिडेट लड़ाने बोल रहे तो लड़ो हमसे पूछो। किसी प्रकार की कार्यकर्ता को उनको कुछ नहीं पड़ेगा, कार्यकर्ता एक नाराज होएगा दूसरा ऑलरेडी तैयार हो जाता, देखो अभी दो तीन लाइन में लगे हुए, तीन लाइन में लगे हुए, तो कलीम को क्यों पूछेगा, इसको क्यों पूछेगा भाई, उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई बेवकूफ बनने चला जा रहा है। कलीम तो इस पूरे मामले में अकरम खान का क्या रोल है, क्योंकि देखा गया तो लोकसभा में उन्होंने लड़ा, उसके बाद विधानसभा में भी उनका कहना है कि वो लड़ेंगे। नहीं, लोग अकरम भाई का कहना है कि अकरम भाई कौम मिल्लत के लिए बैठ गए, उसके बाद 4 साल में क्या काम किया कौम मिल्लत के लिए, आओ ना सामने, फिर अभी उठ के आ गए इलेक्शन में कि हम कौम मिल्लत के लिए फिर आएंगे, हम क्या प्रूव करके कैंडिडेट लड़ेगा, फिर 2 दिन बाद बोलेंगे भाई कौम मिल्लत के लिए हम बैठ रहे हैं, यही चलते रहेगा पार्टी में, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा आपके चैनल से मध्यम से यही है कि ये पार्टी के अलग हमार लोग को भी आदेश है कि भाई अपना जल्द से जल्द अपना इधर आके सब सही करो, सिस्टम जो भी है कार्य अध्यक्ष को जो भी पलटी करना करो, नहीं तो साधा उस्मानी के नेतृत्व में अगर इलेक्शन हुआ तो जो भी कैंडिडेट आएगा खुल के विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो MIM का पट्टा डाल के विरोध करेंगे, क्योंकि मैं 5 साल MIM को दिया हूँ, साधा उस्मानी को दिया हूँ, इसका मैं जो हिसाब मांगूंगा इलेक्शन में। बिल्कुल नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानते हैं और MIM के कार्य अध्यक्ष के साधा उस्मानी को नहीं हटाते हैं तो आप लोग क्या करोगे, क्या आप लोग पार्टी छोड़ोगे? आलाकमान से लगातार बात कॉन्टेक्ट 3 महीने से चल रहा है जब से इलेक्शन हुआ है, अभी तक आलाकमान कोई भी फैसला नहीं लिया है, कहीं ना कहीं इसमें आलाकमान की भी कहीं ना कहीं गलती दिख रही है कि आपके एक आदमी के बजाय आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही तो उसको कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। 10 अगस्त को हम लोग गए थे औरंगाबाद में, ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग भिवंडी आ रहे कब आएंगे, 1 महीना पूरा हो गया, आलाकमान की कहीं ना कहीं गलती, अगर आलाकमान हमारी बात को नहीं माना नहीं गम करते हम लोग आलाकमान का भी विरोध करेंगे, उनको इलेक्शन लड़ना तो भिवंडी में आना है, और बिल्कुल कोई करे नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मैं 5 साल पार्टी को दिया हूँ साधा उस्मानी को दिया हूँ। साधा उस्मानी का विरोध रहेगा और जो भी उम्मीदवार साधा उस्मानी लाएगा हम उसका विरोध खुल के करेंगे, क्योंकि साधा उस्मानी लोकसभा में अपने आप को बेच चुका है, इस बार भी बेचने का जैसे गुंजन सेठ ने मुमरा में किया यही MLA के सिलेक्शन में लोग यही करने का प्लान चाह रहे हैं लोगों का, और हम होने नहीं देंगे। इस बार MIM पूरे मजबूती से जो टीम में बैठी है MIM की वही असली MIM है, साधा उस्मानी मतलब जीरो, क्योंकि उसके पास कोई लोग नहीं है और ना होंगे, क्योंकि पॉलिसी अंग्रेज वाली करता है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है उसके पास, तोड़ो राज करो, इसको मेरे खिलाफ भड़काता था, उसको मेरे खिलाफ भड़काता था। MIM साधा उस्मानी जिसका भी जो भी टिकट का उम्मीदवार उसके पास जाएगा हम उसका खुल का विरोध करेंगे, और MIM क्लियर करना चाहती है इस बार कि हम MIM के अंदर 7 क्षेत्रीय का उम्मीदवार चाहिए, जो अच्छा कैंडिडेट कार्यकर्ता हो, अच्छा समाज सेवा हो, हम उसको उम्मीदवार चाहते हैं MIM की तरफ से। एक आखिरी सवाल ये है कि भिवंडी शहर से साधा उस्मानी MIM का सदर कहते हैं अपने आप को, क्या ये आप लोगों को मालूम है कि आप लोग जानते हुए? ये झूठ बात है। गफ्फार कादरी की जो क्या नाम है अमोल कामले की जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी वो रिकॉर्डिंग सही थी, ये लोग खाली गुड्डू साहब है नहीं, वो गलती से उनसे लिख दिया गया था फेसबुक से, वो गलती से हो गया था। अरे सदर जो है वो आप ये मानते हैं सदर आज भी खाली गुड्डू? आज भी खाली गुड्डू सदर है।